आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी को रीच करने से पहले जो ग्रोथ फेज है उसे क्या बोलते हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं, फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। सब ऑर्गेनिज्म्स में एक बर्थ के बाद, मतलब फॉर्मेशन के बाद, एक ग्रोथ फेज होता है अंटिल इट रीच्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब एक पॉइंट जहाँ से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है, तो केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ अप टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी या इसे बोलते सेक्सुअल मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इस पीरियड को एनिमल्स में बोलते हैं जुविनाइल फेज, और प्लांट्स में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो बर्थ के बाद जो ग्रोथ फेज है, इधर एनिमल्स, प्लांट्स या कोई कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये देख सकते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी, अप टिल इट रीचेस मैच्योरिटी, उस पीरियड को जुविनाइल फेज या जुविनाइल पीरियड या वेजिटेटिव फेज या वेजिटेटिव पीरियड बोलते हैं। एनिमल्स में जुविनाइल बोलते हैं और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अब हमारे ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए है जुविनाइल फेज, ये राइट है। जुविनाइल अभी हमने डिस्कस किया, एनिमल्स में इस फेज को जुविनाइल फेज बोलते हैं। ऑप्शन बी है वेजिटेटिव फेज, प्लांट्स में यही बोलते हैं। ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ये सही है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी सही था, सेकंड ऑप्शन भी सही था, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ये गलत है क्योंकि जुविनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज को ऑप्शंस में मेंशन किया है। तो ऑप्शन सी हुआ हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।